Namaskar. Welcome to the program Images Aina. Ila Bharji ne Seva ki sthapna ki hai. Seva is Self-Employed Women's Association and it has crossed the 1.7 million membership mark. It's a trade union of women, vendors, hawkers, rag pickers, home-based workers. नमस्कारीला बहन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियोस. आपने काम की शुरुआत एक वकील के हैसियत से की थी और आपने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, मजदूर महाजन संघ के साथ काम शुरू किया था और TLA वॉज फाउंडेड बाय अनुसुईया बहन, सारा भाई एंड महात्मा गांधी. तो वहाँ काम करते हुए आपने सेवा की स्थापना कैसे, मतलब कैसे सोचा और क्यों किया? वैसे तो गांधी विचार में हम पैदा हुए तो उस ज़माने में, तो हमारे जो शिक्षक और हमारे कॉलेज में हमारे जो वडिलों ने सब ने हमें यही कहा कि जाओ आज़ादी मिलनी है तो हमें लड़त करनी है. फिर कॉलेज में आए तो तब आज़ादी मिल चुकी थी. तो हमको तो सिखाया गया था कि जाओ तो गांव में जाओ, वहाँ रहो करो. और फिर जो गरीब है इनके लिए कुछ रचनात्मक काम करो, अगर लड़ना है तो लड़ो. तो मैंने लॉ पास किया तो उस समय गांधी जी का और अनुसुईया बहन का बनाया हुआ तो मजदूर महाजन संघ था, तो उसी के कानून विभाग में फिर मैंने काम शुरू किया. और मिल के कामदारों का जो भी कुछ प्रश्न होते थे तो कानूनी प्रश्न, और फिर उनके लत्ते में जो रहने वाले तो वहाँ के प्रश्न, पानी, उनके झोंपड़ियों का, तो वो सब कानूनी तौर से ये जो काम था तो मैंने शुरू किया. और फिर कभी कभी कोर्ट में भी जाती थी और वो भी मैं करती थी. पर ये करते करते मैंने देखा कि कितनी हजारों प्रकार की आर्थिक प्रवृत्तियां चल रही है और वो जो काम करने वाले हैं और उस प्रकार के काम है उसी की तो कोई सुरक्षा है ही नहीं. ना उनके लिए कोई सुरक्षा कानून है, ना उनके लिए कोई बैंक में जाने की सहूलत है, ना उनका नाम भी सेंसस रिपोर्ट में कामदार की व्याख्या में नहीं लिखा जाता था. तो वो सब बेकार दिखाते थे उसमें, तो सेंसस रिपोर्ट में. तो फिर धीरे करके मेरा मन जो संगठित कामदार थे और फॉर्मल सेक्टर में, कि जहाँ पर मालिक मजदूर के निश्चित संबंध होते हैं, तो उस प्रकार के कामों से मेरा मन उठ गया और मैंने कभी वापस नहीं देखा. मैंने तय किया कि जो इसके बाहर है, जो कानून के बाहर जो छूट गए हैं, और वो उस समय 89% थे, आज वो 95% है, मतलब बढ़ते जाते हैं, तो मैं उनका ही काम करूँगी. और ख़ास करके उसी में 50% तो सब बहनें होती है, जैसे भी उन कामों में हम नीचे जाए तो वो ज़्यादातर बहनें होती है. तो गरीब है, श्रमजीवी है और बहनें हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनका यूनियन क्यों ना करूं. तो आपने ये पहले TLA के अंदर किया और फिर 1972 में सेवा की स्थापना हुई? नहीं, TLA में तो मेरा ज़्यादातर काम कानूनी था और दूसरा जो वेलफेयर का TLA की जो विमेन्स विंग थी तो उसमें काम, तो उसका काम भी मुझे सौंपा गया. पर लेकिन मैंने देखा कि सबको उद्योग की ज़रूरत है और मांग भी, ये सब बहने कुछ उद्योग सीखने के लिए, तो फिर मैंने स्किल डेवलपमेंट के बारे में देखा और पहले सिलाई से शुरू किया.
जैसे हमेशा होता है। फिर तरह तरह के उद्योग की भी तालीम करी, पर लेकिन मेरा दिमाग तो यही था कि मुझे ये असंगठित वर्ग की जो श्रमजीवी महिलाएं हैं उनको मुझे संगठित करना है और यूनियन करना है। जब आपने सेवा की स्थापना की तो आपने इनको कैसे ऑर्गेनाइज किया? देखो, ये मूल में तो ये सारे सारे कामदार मतलब कि चार प्रकार के हैं। एक है कि जो घर में बैठ के काम करते हैं, तो कई प्रकार के जो सिलाई का काम है या तो बुनाई का काम है, और या तो बड़े उद्योग के असेंबली का काम है, वो सारे कई प्रकार के काम जो बहनें घर में बैठ के करती है पीस रेट पर। फिर दूसरे है कि जो ठेले वाले या सब्जी और कुछ भी, तो मतलब जो जीवन जरूरियात की चीज़ें हैं उसको बेचते हैं, तो बाज़ार में बैठ के या घर घर जाके या टोकरी लेके। तीसरा प्रकार है कि वो मजदूर है, सिर्फ श्रमिक मजदूर, तो उन्हें बोलते माथोड़ा मजदूर। फिर लोडर्स अनलोडर्स माल चढ़ाते उतारते हैं, और फिर ये कूड़ा बीनते हैं, ऐसे सारे सिर्फ शारीरिक मजदूरी करने वाले, खेत मजदूर है, जो बांधकाम मजदूर है, वो सारे तो उसको बोलते मैन्युअल लेबर वाले। और चौथे जो हमारे जो स्मॉल फार्मर्स छोटे छोटे किसान, वो चार प्रकार का अगर आप देखो तो उसमें प्रिडामिनेंटली महिलाएं हैं। और इन चारों प्रकार के कामदारों में आज जैसे मैंने कहा कि 95% उसका प्रमाण है, तो मतलब इतना राष्ट्रीय आय में उनका इतना योगदान है, जीडीपी में देश के इतना इतना योगदान है, पर लेकिन वो रेकग्नाइज नहीं होता। इनको कैसे इवैल्यूएट किया जाए? दो तीन लेवल पे उनको संगठित करना होता है, क्योंकि अन्याय तो कई प्रकार कई लेवल पे ये होते हैं ना। एक है कि सीधा पुलिस के सामने आप देखते हैं कि पुलिस रिश्वत ले रही है। फिर दूसरा होता है कि जो तुम्हारे जो कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार है तो वो कर रहा है, तो जिन्हें हम देख सकते हैं, पर लेकिन ठेकेदार बड़े वाले ठेकेदार होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, उसे हम नहीं देख सकते। हमारा कि हम जो पैदा करें उसके जो मूल मालिक कौन है, तो उसी का तो कभी पता ही नहीं होता है कि कौन सी कंपनी है कौन सी ये है। तो और फिर कई ऐसी नीति कानून ऐसे होते हैं कि वो भी अन्यायकारी है। तो ये सारे प्रकार के जो मजदूर है कामदार वर्ग है उनके प्रश्न है कि एक तो वो अदृश्य है, आंकड़े में भी अदृश्य है, और घरों में बैठ के काम करते हैं वैसे भी अदृश्य है, और दूसरा है कि वो उनकी कोई आवाज़ नहीं है। क्योंकि कहीं भी जो भी नीति बनती है कुछ भी बनती है तो कभी उनको शामिल नहीं किया जाता, इनविजिबल एंड अनरेकग्नाइज्ड एंड वॉइसलेस। और दूसरा कि उनका काम की वायबिलिटी नहीं, जो काम जो वायबल होना चाहिए और फिर वैलिडिटी उसकी जो होनी चाहिए कि हाँ ये रोजगार है। कूड़ा या कचरा बिनना और जो गार्बेज है उसी को लेके फिर जो बड़ी फैक्ट्री में पहुंचाना, ये सारा आर्थिक प्रवृत्ति है। तो ये जो काम कहा जाता है रोजगार कहा जाता है, इसकी वैलिडिटी नहीं। तो ये तीन प्रकार के उनके स्टेज बाय स्टेज उसका हल करना होता है। तो पहले विजिबल बनो, दृश्यमान बनो, फिर सब साथ संगठित होके अपनी आवाज़ बनाओ, और अपने काम को जब तो आर्थिक प्रवृत्ति में अपनी जो मुख्य प्रवाह उसी में शामिल हो। तो ये एक लंबा सफ़र है। विमेन जो अपने घर के अंदर चार दीवारी के अंदर पापड़ बेल रहे हैं या बीड़ी बना रहे हैं या एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं या ये साड़ी बनाती हैं, इनको मतलब संगठित करना या वॉइस देना आज के हालात में तो और भी मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, बहनें सब तैयार है, और फिर तभी तो आज 70 लाख 17 लाख हमारी जो मेंबरशिप है,
तो भारत में सबसे बड़ा यूनियन, प्राथमिक यूनियन हमारा है, तो ये बहनें सब तैयार है संगठित होने के लिए। हम कम पड़ रहे हैं कि हम उनको जितना मौका देना चाहिए और जितनी जितनी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए वो हम नहीं दे सकते हैं। और जो पॉलिसी का का जो वातावरण है वो इनको उठाने वाला वातावरण नहीं है। जैसे बैंक है, ये अनपढ़ छुटक छुटक काम करने वाली, अलग अलग रहने वाली, वो सब की एक रेगुलर बैंक बनाना पहले दिन से, फ्रॉम डे नंबर वन, ये रेगुलर बैंक आरबीआई से रेगुलेट होती है, ऐसी कोऑपरेटिव बैंक। और फिर पहले साल छोड़ के दूसरे साल से तो डिविडेंड भी बांटना, जो आज तक उसके भी 40 बरस हुए, तो ये शक्य है। हम कम पड़ रहे हैं। जब अपने सेवा बैंक जो द फर्स्ट ऑल वुमेन्स बैंक है, और आपने तब भी जब आप उसको रजिस्टर करने गई तो आपको बोला गया कि ये औरतें बैंक कैसे चलाएंगे, ये अशिक्षित हैं। फिर वीडियो कोऑपरेटिव रजिस्टर करने गई तो आपको बोला गया कि नहीं, ये डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और कैमरामैन कैसे हो सकते हैं, ये अशिक्षित हैं। रैकपिकर्स का था कि ये इकोनॉमिकली क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, है ना। तो ये फिर ये सारे जो हर्डल्स जो आपके सामने रखे गए, इसको आपने क्रॉस कैसे किया? ऐसा है कि हमें श्रद्धा रखनी चाहिए और धीरजपूर्वक उसका काम करना चाहिए। अगर अगर अपने मन में श्रद्धा है कि हाँ अनपढ़ की बैंक बन सकती है, अनपढ़ एक वीडियो कैमरा भी चला सकता है, और औरत है तो फिर भी वो स्कूटर चला के या तो ट्रैक्टर चला के खेत में वो काम कर सकती है। अपने दिल में जब अगर श्रद्धा है तो इसके ऊपर डटे रहो, और फिर सामने टेबल के सामने बैठने वाले जो अफसर है वो भी पहले उनका मन बंद होता है, पर जब वो देखते हैं कि नहीं नहीं ये तो कर सकते हैं, और फिर करके भी दिखाना पड़ता है, तो तब मैं समझती हूँ, क्योंकि कोई कानून के विरुद्ध नहीं है, कोई ऐसी मांग नहीं कि जो कानून के विरुद्ध हो या अपना कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध की बात है। फिर आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस ये है कि पहले तो आपकी मेंबरशिप बहुत है, लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर यू डाइवर्सिफाई, एक यूनियन बनाओ जिसका कहीं भी किसी को उसने फिर नाम काम तरीके समझाई नहीं है, और फिर उसी को यूनियनाइज करना। तो पहली बात तो ये है कि खुद मेंबर को ही होना चाहिए कि मैं कामदार हूँ, मैं रोजगार काम करती हूँ। इस केस में तो ऐसा है कि ये सारी महिलाएं हमेशा किसी की बहू, किसी की माँ, तो किसी की भतीजी, वो इस तरह से ही उसकी पहचान, और वो भी खुद ऐसी समझती है। तो जब काम वो करती है, पर लेकिन वो काम के तौर से नहीं समझती। तो पहला तो यही ओरिएंटेशन कहो या जागृति कहो कि सब बैठो और बोलो अपना नाम, काम, गांव, अपनी आइडेंटिटी। तो नाम बोलने में इतनी झिझकते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, क्योंकि किसी ने शायद उनका सीधा नाम नहीं पूछा। फिर नाम बोलने के बाद फिर काम कुछ नहीं, देखो बच्चे है तो घर का काम करते हैं, बच्चे को एक्चुअली उस समय वो गाय को धो रही है या तो ठेला खींच रही है, एक्चुअल काम कर रही है, पर उसने कभी अपने काम को काम से नहीं पहचाना। तो जब वो खुद ही नहीं पहचानती है अपना काम को, काम तरीके, तो ये पहला ओरिएंटेशन तो यही होता है कि देखो इस कमरे में हम बैठे, हर एक चीज़ देखो क्या है, तो ये ईंटें हैं, किसने बनाई, ये कुर्सी है तो कुर्सी का लकड़ी जो है तो कहाँ से आई, तो किसने पेड़ बनाए, तो कुर्सी किसको बनाई, किसने बनाई, हर चीज़ को देखो, तो तब उनकी आँख खुलती कि हाँ तो ये तो सब हम ही बनाते हैं, तो फिर मैं भी तो ऐसा ही तो काम करती हूँ कि कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो मैं ही तो ईंटों के भट्ठे में मैं ही
भी तो काम करती हूँ, तब एक पैसेज ऑफ एक तरह का धीरे धीरे एक एक जागृति आती है और समझती है। फिर एक बार उनका दिमाग दिल खुल गया तो जब वो एक दूसरे के साथ मिलती है और काम के आधार पर, कोई और कोई सोशल नहीं, क्योंकि यूनियन बनाना है ना, तो फिर काम और आय, उनकी जो आय है उनके आसपास केंद्रित करके अपना संगठन बनाना है, तो एक दूसरे को फिर वो यू नो पहचानने लगती है। तो वो एक दूसरे के साथ खाते हैं पीते हैं, फिर जब लड़ते हैं तो भी तो एक ही साथ में रैली में होते हैं, तो कहीं यू नो बाहर जाते हैं तो एक ही साथ ट्रेन में सफ़र करते, तो ये साथ साथ रहना, तो हर तरह की अपने अपने विचारों के अपने अनुभव के आपले होती है, तो इस तरह से संगठन बनता है। समय लगता है पर लेकिन वो जो है वो जो ताकत उसमें से आती है उसे कोई लूट नहीं सकता। जो नई नीतियां हैं ग्लोबलाइजेशन के नीचे, तो इसमें आप मतलब लेबर का क्या रूप है, मतलब यू आर अ ट्रेड यूनियनिस्ट, हम कैसे इस क्षेत्र में कैसे काम करें? देखो काम तो हो रहा है, काम जो पुअर है वो पुअरर नहीं होता जा रहा है, जो हो रहा है सबसे सबके लिए वो जो है इनसिक्योरिटी असलामती, कि आज मेरे पास ये काम है, आज मेरे पास ये अप्रेंटिसशिप है, ट्रेनिंग है, वो कल रहेगी कि नहीं, और फिर जो काम उनको परफॉर्म करना है तो उसका भी उसके साथ टारगेट दिया जाता है, तो टारगेट जैसे ही वो हुआ, मतलब पीस रेट ही कहो एक तरह का, तो जैसे वो हुआ तो और टारगेट बढ़ा देते हैं, तो ये सारे काम में फिर कोई इतने तंग रहते हैं, और दूसरी तरफ महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो जितनी यू नो जितनी जल्दी से ये सब विकास बोलते हैं या तो आधुनिकता आ रही है, पर लेकिन इतनी जल्दी से तो किसी की आय नहीं बढ़ रही, खास करके मैं तो इन क्षेत्र के यू नो कामदारों की बात करती हूँ, तो कोई इतनी जल्दी से आय बढ़ती नहीं है, कई सालों से जो उनकी जो वेजेस थी वही है, और उनका तो पहले था कि हमको काम मिलेगा, पर लेकिन कल का भरोसा नहीं कि आज मेरे हाथ में काम है कल मिलेगा भी, फिर उसी को काम को टिकाने के लिए कई तरह के तो आड़े रास्ते पर भी उनको चलना पड़ता है, तो और फिर जात पात का भी एक सवाल आ जाता है, तो औरतों को है यू नो बड़ी मुश्किल है, और आर्थिक परिस्थिति की बहुत बहुत मतलब विटमना है, बहुत तो आसान नहीं रहा यू नो शांति भरा जीवन, और दूसरा कि हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में इतनी जल्दी से जो दूरी बढ़ रही है पहले से तो कई ज़्यादा, और पिछले सालों में तो इतनी इतनी रैपिडली इतनी जल्दी से बढ़ती है, और फिर यू नो ऋण लेते हैं पर लेकिन ऋण भरपाई नहीं कर सकते।
new economic policies are at all Gandhian in their approach or ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो पूरा देश का दर्शन ही कुछ अलग है ना, तो विजन ही अलग है. हमें हमारा देश कैसा चाहिए, इसका कोई दर्शन, कॉमन दर्शन है? अगर वो होगा तो कोई कॉमन शेयर्ड गोल्स होंगे, कोई कॉमन स्ट्रेटजी होगी. पर लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा, जो मैंने कहा ना कि गैप है, जो यंग प्रोफेशनल मिडिल क्लास मेल यूथ्स, उनके दिमाग में है तो जो दिया गया है स्लोगन कि शाइनिंग इंडिया और सुपर पावर इंडिया, और फिर वो वो मांगते हैं और सोते हैं ड्रीम, पता नहीं ड्रीम का क्या. और दूसरी तरफ है कि जो गांव के हमारे खुद के जो रिसोर्सेस है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेस मतलब कुदरती संसाधन और फिर मानव संसाधन, वो मतलब इरोड होते जाते रहे और फिर लूटे जा रहे हैं. और जो स्किल, हर प्रकार की जो स्किल अपने आप पे खड़े रहने की जो थी, वो भी अब भुलाई जा रही है. yes. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से. yes. देखो, गांव में कपास है, कॉटन है, गांव में करघा भी है, लूम भी है, और स्किल भी अभी है बुनाई की. पर लेकिन हम कॉटन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. अनाज का भी तो जो मैं देखती हूँ कि अनाज का भी क्या है कि जो इरिगेटेड व्हीट है, गेहूँ, तो इरिगेटेड मतलब सिंचाई से जो गेहूँ पकते हैं वो पकते हैं, और कई प्रकार के हमारी डाइवर्सिटी वाले जो सीड्स है, जो अनाज था, वो अभी गायब है. हमें चाहिए लेगूम्स, मतलब हम गुजराती में बोलते हैं कठोर, मतलब तरह तरह की दाल और मग और चना और अरद और वो सब, तो उसको कि उसका तो कल्टीवेशन बहुत कम होता जा रहा है, बहुत ही कम होता जा रहा है. और एक तरफ प्रोटीन की बात करते हैं, हमारा दाल चावल का खुराक है, हमारा रोटी दाल का हमारा रोजिंदा खुराक है, पर लेकिन दाल कहाँ है, उसका तो उसका कल्टीवेशन भी कम. तो संक्षिप्त में तो वो दर्शन हमें पूरे टाइम निकाल के साथ बैठ के एक दर्शन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, पर वो तो अपने हाथ में नहीं है. पर जो अपने हाथ में है वो इतना ज़रूर है कि जहाँ तक रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी जीवन की ज़रूरियात की खास मूल बात है, रोटी कपड़ा मकान और प्राथमिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक बैंकिंग, ये तीन सर्विसेज, तीन गुड्स, वो हमें कम से कम अपने आसपास के विस्तार से जो पैदा हो और कंजम्पशन भी हो. अगर आपसे ये पूछा जाए, विद ऑल दिस 40 इयर्स ऑफ वर्क इन सेवा एंड ऑल दिस नॉलेज कमिंग फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू सी इन द पॉलिसीज? पॉलिसी में और बड़ी बात नहीं, पर ये जो मैंने कहा कि छह हमारे जीवन जरूरियात की छह चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, आरोग्य, शिक्षा और बैंकिंग, ये प्राथमिक जरूरियात हमें 100 माइल के अपने विस्तार में वो पैदा हो, और जो पैदा हुई वही हमें खाना है. अगर हम लोग मिडिल क्लास भी सब अगर ऐसा तय करें कि कम से कम दीज सिक्स बेसिक नीड्स विल बी फुलफिल्ड बाय द लोकल प्रोड्यूस.
Ramesh Bhai, your husband, he always stood by you and he nurtured your work and he supported it. Can you talk a little bit about him? हम साथ में पढ़ते थे कॉलेज में एक ही क्लास में और वो काफ़ी हैंडसम भाषण देने वाले स्कॉलरली और नेता थे और वो भी यू नो ऐसे ही तो उस समय तो हम सब यू नो स्वराज के उसके रंग में ही सब दिमाग में बस वही भरा था तो स्कूल तो कॉलेज में सब आगेवानी उनकी थी जनरल सेक्रेटरी थे फिर यू नो हमने शादी करने का तो तय किया मेरे घर वाले मतलब कि मेरे यू नो माता पिता सम्मत नहीं थे तो फिर कैसे उनको कैसे मनवाया आपने बस मैंने कहा कि माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध तो मैं ये शादी नहीं करूँगी पर लेकिन तो उनकी कि उनको कभी भी मनाने के बाद ही करूँगी और उन्होंने भी वही कहा तो हम 7 साल रुके फिर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं ना उनका प्रेम तो बस फिर शादी और आपके दो बच्चे हैं आपने इन दोनों काम इतना सब कैसे संभाला आप परिवार को भी काम को भी सबको कोई इसमें कोई बोझ नहीं है देखो घर का काम अगर यू नो सीधा साधा रखे ने और हर कोई अपना अपना काम कर ले तो फिर घर काम का कोई बोझ नहीं है पर लेकिन तो बाथरूम साफ करो इसको चमकाओ और ये तो ऐसी ऐसी बिन जरूरी चीज में घर काम में पड़े मैं तो आपके घर गई तो गुलाम हो जाए साधारण घर घर है मतलब सिंपल लिविंग तो फिर यू नो हवा बाहर की हवा आने की पूर्ति हाँ मेरा लड़का भी यू नो डिजास्टर का काम करता है कि जहाँ आपत्ति आती है कुदरती या मानव सर्जित तो उसके लिए कैसे तैयार रहना और बाद में खास करके उसका रिहैबिलिटेशन जो विक्टिम्स है तो उनका कैसा करना उसमें उसकी बहुत अच्छी समझ है और वो कलाकार भी है अंदर से वो कलाकार है इला मैन वी प्रे फॉर योर लाइफ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो